अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाली ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं अपने तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। शुरू करते हैं अपना आज का मज़ेदार ब्लॉग, और ब्लॉग शुरू करने से पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में लाइक कर देना, शुक्रिया। तो फिलहाल टाइम हो गया जी ईशा दा, मैं जा रहा हूं नमाज़ पढ़ने। ईशा दी जमात हो गई है आज, थोड़ा जहा मैं लेट हो गया वहाँ, लेकिन कोई गल नहीं, मस्जिद चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। उस तो बाद इंशाल्लाह तरावियां पढ़ांगे, और अज असी पंजवें रोजे की तरावियां पढ़ांगे, तो मस्जिद चलते हैं। और बस तुसी साडे नाल जुड़े रहो, कोई कमेंट शमेंट करो अच्छा जहाँ, तुसी दे सकते हो अज मैं किस तरह वीडियो इतने शॉर्ट्स बनाए ने। ओ पीछे तार से, पीछे तार से, पीछे तो इस तरह कुछ मैं बल्ब सैट किए ने बैकग्राउंड वगैरह जो बना के ना, यह बल्ब की मदद ना रोशनी सीधी मेरे मुँह पै रही कि इतनी खड़े हो कि वीडियो बड़ी साफ सुथरी बन रही है। बल्ब माशाल्लाह बड़ा है ना, तो रोशनी जरा ज़्यादा है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई है। अगर खड़े होकर ना सामने कुछ भी नहीं नज़र आ रही स्क्रीन को, रोशनी ज़्यादा है तो अखा बिल्कुल एक बार ब्लैक हो जाती है जो दूसरी तरफ देखो। जनाब अजकल मौसम बड़ा ठंडा चल रहा है, तो सानू तो रोज़े महसूस नहीं हो रहे, गर्मी वगैरह महसूस नहीं हो रही, रोज़े अपने बड़े ईजीली गुजर रहे हैं अलहमदुल्ला। तो थोड़े शहर से मौसम कैसा, कमेंट बॉक्स में दसो सानू। तो इस तो अलावा अब्दुल वहाब भी मेरे नाल जा रहा है जिस टाइम नमाज़ पढ़न। आज अब्दुल वहाब की पहली तरावियाँ हैं, है ना यार, ये क्या वक्त हुई? अच्छा इसलिए सलाम अब्दुल वहाब कह, मैंने सलाम के जवाब नहीं किया, वालेकुम सलाम हो गया। तो जनाब सुबह स्कूल जाना है, आज तो छुट्टी सी इतवार की, तो सुबह स्कूल जाना है। सुबह साढ़ा स्कूल से आखिरी दिन होएगा, रोल नंबर स्लिपां सू मिलनगियाँ दसवीं क्लास दियाँ, उस तो बाद सू स्कूल की तरफ फ्री कर दिया जाएगा। फिर तकरीबन पाँच तो छः दिन बाद साढ़े बोर्ड के पेपर ने, तो सुबह स्कूल से साडा आखिरी दिन स्कूल लाइफ का। और अब्दुल वहाब साहब आप इस मौके पर कुछ अच्छा कहना चाहेंगे? फ्यूचर में बस एक दफा ये अपने बोर्ड के पेपर खत्म हो जाए। उसके बाद कैमरा बंद सी, अब्दुल वहाब इतना शदीद किस्म का डर रहा ना जनाब, जिथे बारिश ने सानू खुश भी किया उत्थे ही थोड़ी जी काम भी खराब हो गया, देख सकते हो पानी पानी खड़ा है, पानी भी गंदे वाला है ना। चलो 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 जनाब, तरावियां अपनी ना इस बार जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी ने, क्योंकि इस बार वाले जो मौलवी साहब ना उन्होंने स्पीड थोड़ी जी ज़्यादा है, तो तरावियां जल्दी खत्म हो जाएंगी ने। तो अगे मैं तकरीबन जाता सी कार 10:30 बजे, हूँ 9:30, तो रमज़ान का भी थोड़ा जहा फर्क आ गया ना, टाइमिंग भी पीछे आ रही ना 10-10 दिन। बाकी असी मस्जिद के कोल पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं नमाज़ पढ़ने पहले, उस तो बाद इंशाल्लाह तरावियां ज्वाइन करांगे। नमाज तो असी लेट हो गए, तुम देख सकते हो मस्जिद खाली पई है। जनाब वो सिर्फ खड़ा भी कोई भाई ब्लॉग बना रहा है, सानू पता नहीं है कौन है, है ना वाह, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं। और जितने सामने तीन लाइटें चल रही ना उत्थे, तो जनाब फिलहाल नमाज पढ़ के असी वापस जा रहे हैं कार की तरफ। और अब्दुल वहाब मज़ा आया फिर? कितना मज़ा आया? आज अब्दुल वहाब ने इस रमज़ान की पहली तरावियाँ पढ़िया ने, है ना, इतनी ज़्यादा भी लंबी कोई नहीं होती तरावियाँ, है ना, ये इधर ज़्यादा जल्दी हो जाती है, इस बार ज़्यादा जल्दी थी। इतनी स्पीड में पढ़ रहा था। अच्छा स्पीड थी ना, मैंने तो पहले बताया था व्लॉग में कि मौलाना साहब की स्पीड ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ है, कुरान मजीद की समझ आनी चाहिए, फिर जो है ना मेरे सही नौ के पेज भी होती है। Am I right? हेलो भाईजान, भाईजान हेलो, टाइम हो गया सारी कोट जो सरी का टाइम हो गया, उठ जाए जल्दी उठ, टाइम थोड़ा है। मैं जी ना आके सोए तो नहीं सी, थोड़ी देर बाद ही सोए सी, काफ़ी देर बल्कि उन्हें उठे नहीं, सरी का टाइम हो गया, तो उन्हें सरी के दस्तरखान तो चलते हैं और नाश्ता और चाय करते हैं। जनाब अपनी सहरी हो गई है और मैंने सल ला गया, नींद बहुत आ रही इस टाइम, दिल का नमाज़ पढ़ के तो जल्दी तो सो जाओ, लेकिन आज स्कूल भी जाना तो जरा फिर जल्दी उठना पड़ेगा। अज दरअसल रात लेट सोया, तुम दस अगे, तो नींद ज़्यादा आ रही है।
हुनी उठ के मैं रेडी हो गया मैं स्कूल जाने वास्ते कपड़े शपड़े यूनिफॉर्म चेंज किया तो हुनी स्कूल जाने वास्ते रेडी है तो एक दो छोटे मोटे काम ने वो कर दें उस तो बाद इंशाल्लाह फिर स्कूल चलते हैं और देखें आज का दिन साढ़ा आखिरी दिन स्कूल से होएगा या फिर दो दिन सामने और भी जाना पै सकता है लेकिन ज़्यादा चांस है कि आज सू रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी इंशाल्लाह उस तो बाद अच्छे स्कूल तो फ्री बैग लगाते हैं जी साइकिल से और निकलते हैं स्कूल की तरफ टाइम हो गया अपने जान का साइकिल बाहर निकालते हैं और स्कूल चलते हैं जी इंशाल्लाह थोड़े से मिलते हैं स्कूल पाने तो बाद तद तक अल्लाह हाफिज़ जनाब वेलकम बैक हो गया स्कूल तो हुनी हुनी अपनी वापसी हुई है तो अज रोल नंबर स्लिपां सानू नहीं मिल सकियां वैसे तो आ गई ने स्लिपां लेकिन साड़ी थोड़ा जिहा डाटा वगैरह बनाना सर ने कहा तो सर कह रहे हैं इंशाल्लाह कल नू मिल जाएंगी स्लिपां तो कोई सारे रिकॉर्ड वगैरह बना के रखेंगे अपने को तद करके जरा एक दिन तो बाकी सैक्शनों हो गई ने छुट्टियाँ बस असी रह गए हैं और एक और क्लास है तो पूरे स्कूल से हम टोटली नाइन्थ तो बाद साढ़ी दो क्लासा ने अटेंड किया सिर्फ अगे नहीं तो छे क्लासा ने अटेंड किया फिलहाल जी आज ना थोड़ी जी गर्मी भी है और हल्का हल्का रोज़ा फील हो रहा है बारिश पता नहीं अज हो होंगी है नहीं आने वाले हफ्ते जो वैसे तो है नहीं नैट से दिखा नहीं कि बारिश होएगी तो फिलहाल हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ट्यूशन वास्ते रेडी होने फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के दोबारा ट्यूशन मैं ट्यूशन से रखा है वहाँ तो नमाज़ पढ़ने गया से हम वापसी हुई है तो नहीं चलते हैं ट्यूशन अपना ट्यूशन का काम करके आके मिलता तक अल्लाह हाफिज़ वेलकम बैक हो गया ट्यूशन तो मैं वापस आ गया वहाँ तो हूँ मैं क्या चलो अज बाहर चलते हैं ज़रा रोजे से भी टाइम है और उन्हें असर की नमाज से भी काफ़ी टाइम है तकरीबन अद्धे घंटे का पीरियड है तो उन्हें चलते हैं बाहर और नमा सॉरी चलते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर चलते देखते कि माहौल है कि हिसाब किताब चलते बारिशा होने की वजह तो ना कीचड़ सी और कीचड़ की वजह तो साइकिल तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है लेकिन ये तुम्हें चल रहे हैं जी इंशाल्लाह आके साफ करा संताली स्कूल तो पहुंचे हैं उन्हें अगर चलते हैं असर जी जाना शुरू हो गए हैं इतने को टाइमिंग से फर्क होगा ना जी लाड़ी अड्डा लारी अड्डा है और उन्हें सीधे चलते हैं जिसे आप इजीली जा सकते हैं उसे तक जाओगे फिर उसको वापसी ले लेंगे क्योंकि वापस आना भी तो है ना ऐ ना किसी अगे जाइए ये तो फिर वापस आने की हिम्मत ना हो बस टाइम पास होएगा फिर इतना लगा आ जाके नमाज असर अदा करा रश ना होंगे बराबर ही है थोड़ा जहा रश है मॉल के बाहर बाकी तो तुम देख सकते हो रश ना होंगे बराबर ही है तकरीबन पंजाब आ गए चलो पंजाब है सस्त बड़ा काफ़ी अगे आ गया मैं तो हूँ ही मेरा दिल है कि वापस चलते हैं है तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अगे आ गया मैं तो नहीं वापस चलते हैं चल के जाने ना देखते हैं यू टर्न कितने तो उतों टर्न लेंगे फिर इंशाल्लाह अगे ना यू टर्न है जिंद वजह तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रही है मैं दूसरी तरफ आ गया वहाँ और मेरी ट्रैफिक हॉस्पिटल है फातिमा हॉस्पिटल वापस चलते हैं स्पीड मार के और मौसम मज़ेदार लग रहा है इंजॉयमेंट वाला है लेकिन ज़्यादा नहीं धूप भी निकल रही आज बिल्कुल आराम आराम नाल जावांगे टेंशन वाली गल कोई नहीं है स्लो एंड स्टडी इन द रेस फायदेमंद है और बड़े ब्रांड ने के सामने एक मॉल है इम्तियाज उसके बाद जैनवन पेट्रोल पंप तो माशाल्लाह भरिया पे है पूरा रोड यूनिवर्सिटी रोड ना ब्रांड जी ब्रांड ने हर तरफ मॉल्स भी काफ़ी बन गए ने सरगोधा जा सब तो ज़्यादा टॉप पर जा रहे हैं इस टाइम इम्तियाज मॉल मॉल ऑफ सरगोधा नाम है वैसे तो इम्तियाज ब्रांड आया इतने जिंकी वजह तो ना इतने बड़ा ही रश होता यूनिवर्सिटी रोड से रात टाइम ज़्यादा होंगे सब तो वाला मॉल है ना तद करके भी जरा ज़्यादा इतने रश होता है उस तो बाद ब्रांड भी कुछ है तद करके जरा ज़्यादा रश है जनाब जी की वजह सरगोधा अगे आ रहा है और बड़े बड़े शहर से नाम आने लग गया सरगोधा उस तो बाद इतने जरा फौज का एयरबेस भी है हरियाणा पहाड़ी वो भी है तद करके जरा ज़्यादा मशहूर है फौज के वाले तो दूसरा फाइनेंशियल भी दूसरा के ब्रांड में काफ़ी ज़्यादा और हर चीज़ मिल जानी तकरीबन इस रोड तो सिर्फ तो बाकी नहीं अगर शहर पे हो फिर अगे है ना मेरे पीछे जे डॉट भी तुम देख रहे हो जनेह जब छे का ब्रांड है मतलब बाकी इन्होंने सीम फरमाए
और ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है, अभी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चल रहा है, पाकिस्तान तो बाहर भी चल रहा है माशाल्लाह। रमजान का महीना है और जुनेद जमशेद साहब रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी बड़ी अच्छी, लेकिन फोन तकरीबन 5 साल हो गए शायद बधाई हादसे जहाज की जैसे क्रैश हो तकरीबन 4 से 5 साल हो गए ने शायद ज़्यादा हो गया टाइम। इन्हें टर्मिनल्स भी तकरीबन 3 है ने इस रोड पर, लारी अड्डा उस तो बाद डैवो साइड ते पेट्रोल पंप दी जगह से शायद, मैं कभी इतने पेट्रोल पंप देखा तो नहीं है, लेकिन थेम्स दस रहे ने क्या पेट्रोल पंप दी जगह सी कभी, लेकिन उन्हें नहीं है पेट्रोल पंप इतने। छोटे छोटे बच्चे तो पता क्यों नस रहे ने, सामने एक रोड तो पतंग आ रहा तो वो पीछे जरा नस नस के जा रहे हैं, ऐसी घास आदि इस वजह तो भी बहुत ज़्यादा होंगे ने। दूसरा मैं आप ही वायलेशन कर रहा इस टाइम, नहीं फोन थोड़ी जी एहतियात ना चला रहे हैं। 47 पुल जी क्रॉस करके हुनी कार की तरफ रास्ता जारी हो गया मेरा। जनाब असी पहुंच चुके हैं इस टाइम कैंची मोड़ पे, सामने रहा ट्रैफिक पुलिस ने लगता सही बंदे काबू किए हैं, गड्डियां वगैरह रोकी हुई हैं सामने, तुम देख सकते हो बसा वगैरह उस सब ट्रक भी रुके हुए हैं। पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज तो ब्लॉग करते अपना इतने खत्म, वीडियो पसंद है तो जल्दी से साइड वीडियो लाइक करके चैनल में सब्सक्राइब कर देना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग से, बहुत सारा प्यार दुआ में याद रखना, अल्लाह। Thank you.